अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी शादीशुदाओं के लिए, जो आज की वीडियो है ना ये शदीद सिंगल लोगों के लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग ए मोर टाइम देखते हैं ये लुक हमने कैसे अचीव किए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अपने फेस पे मैं ये शीट मास्क अप्लाई करने लगी हूँ। इन सब प्रोडक्ट्स के नाम, इनका लिंक, प्राइजेज अगर मुझे पता चली तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये ओलिव फ्लोरिक शीट मास्क था ये, और इस मास्क की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मास्क जो था ना वो फाइबर में था। मतलब मास्क भी जो है ना वो डिफरेंट आते हैं, कोई शीट में होता है, कोई फाइबर में होता है, कोई टिश्यू में होता है, कोई वाइप्स वाले स्टफ़ में होता है। तो ये वाला मास्क जो था वो फाइबर में था, और इसके अंदर लिक्विड इतना ज़्यादा नहीं था एज़ कम्पेयर टू जैसे मैंने अदर यूज़ किए हैं वो। लेकिन इसकी भी जो इसका जो शीट वगैरह था वो बहुत अच्छा था, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा था इसका। तो इससे पहले फेस को अच्छे से क्लींस करना होता है, उसके बाद इसको अप्लाई करना होता है। फेस मैंने अच्छे से क्लीन किया हुआ है, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है ना लिक्विड वगैरह पाउच में, उसको वेस्ट मत किया करें, उसको भी हाथों और गर्दन पर लगा लिया करें अच्छे तरीके से। मीन्स कि जब आप इसको निकालती हैं तो एहतियात से निकाला करें कि इसका लिक्विड ज़ाया ना हो, और वह आप अच्छे से यूज़ कर लें और फेस पे भी लगा लें, ऊपर शीट मास्क लगा लें बेशक। और उसके बाद जब 10 मिनट हो गए इसको लगाए हुए, क्योंकि इसका टाइम है 15 to 20 मिनट, 15 मिनट्स भी इनफ होते हैं, लेकिन 15 मिनट लगाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो जेड रोल, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि मास्क के ऊपर मैंने फेमस यूट्यूबर्स को देखा है वो यूज़ करती हैं, तो मैं जेड रोलर इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है आप इसको प्रेस कर लें अच्छे से, ताकि जो इसके अंदर इसेंशियल्स हैं फ्रूट्स के, ऑयल्स के, वेजिटेबल्स के, जो भी ये वेजिटेबल्स का शीट मास्क था, तो वो आराम से आपके फेस के अंदर चले जाएँ, पोर्स के अंदर चले जाएँ, और आपको अच्छा सा मॉइस्चराइज दे दें, हाइड्रेट कर दें आपको फेस को। और ऐसा नहीं है कि फेस मास्क सिर्फ ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं, हर स्किन टाइप के लोग फेस मास्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को रिजनरेट करता है, यंगर लुक देता है और फ्रेश कर देता है स्किन को। शीट मास्क मैंने रिमूव कर लिया है, और देखें स्किन कितनी ग्लोई और फ्रेश लग रही है बिल्कुल। इसका ये होता है ना कि जितना टाइम इसके ऊपर मेंशन हो ना, आपने लाजमी उतने टाइम तक इसको लगाना होता है फेस पे, और उसके बाद इसको आपने अच्छे से प्रेस करना होता है, ताकि जो इसके अंदर वाटर है या जो भी इसके अंदर इसेंशियल्स इन्होंने डाले हुए हैं वो अच्छे से हमारे फेस के पोर्स में चले जाएँ, और जो इसका मकसद है वो इसका मकसद पूरा हो जाए, हमें बेनिफिट मिल जाए, स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और स्किन फ्रेश हो जाए। और दोनों एक्चुअली मैं रावी सेंटर गई थी, तो वहाँ पर मैंने ना दो लड़कियों को देखा था, उन्होंने ये हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतना प्यारा उन्होंने मेकअप किया हुआ था। तो सेम वही मेकअप मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, दोनों बहनों ने ना ऊपर से तो फ्रेंच बनाई हुई थी, पर एक ने नॉट बनाई हुई थी दो, और एक ने सिंपल चदक बनाई हुई थी, तो वही सेम हेयर स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँ। मैं वैसे इस वीडियो के अंदर ना बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रही ट्यूटोरियल में, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, 15 हेयर स्टाइल शेयर किए हैं, उसके अलावा 2-3 हेयर स्टाइल की पूरी सीरीज़ की थी। तो जो न्यू यूट्यूब अभी आए हैं सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से किया हुआ है मैंने। इस तरीके से ये दो बाल निकाले हैं लेयर्स बालों की फ्रंट से, और इस तरीके से पीछे तक ले जाके बालों को, इस जगह पर मैं इसको पिनअप कर लूँगी, और उसके बाद दरमियान से सेक्शन करके दोनों की तरफ आगे की तरफ ला के उसमें मैं बनाऊंगी फिश टेल, और वो फिश टेल बना के उसको मैं मैसी कर दूंगी। और ये जो पूरा स्टाइल है ना ये बहुत ज़्यादा मैसी मैसी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और अभी आप देखना इसका फाइनल लुक, और इसका अगर आपने डीप ट्यूटोरियल देखना है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया हुआ है, तो आप वो प्रीवियस वीडियो देख लें। अगर इसके अंदर मैं वो भी ऐड करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, और मेरी कोशिश होती है 10 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ आपके सामने हो, उससे ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो। और बैक से कुछ इस तरह का लग रहा है हेयर स्टाइल। नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर लगाने का, ये जो मैंने निकाले हैं उलझी लट ही, जरा मैं साइड पे कर लूँ उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप है। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 7 Girl का प्राइमर है, मेड इन PRC, कलर करेक्टिंग लिक्विड प्राइमर एंड कलर करेक्टिंग लिक्विड बेस, इसके ऊपर लिखा हुआ है, क्वान्टिटी है इसकी 35 ml। ओके, इसको खोलते हैं और देखते हैं, ट्यूब फॉर्म में है लाइक दिस, और इसको भी मैं अप्लाई करती हूँ। एंड यस, दिस इज सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, बट ये बहुत ज़्यादा वाटरी भी है, यानी कि ड्राई स्किन के लिए बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं है ये। ओके, अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको सेट होने देते हैं फेस पर, फिर हम लगाते हैं फाउंडेशन। प्राइमर मैंने लगा लिया है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फाउंडेशन का। फाउंडेशन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का फाउंडेशन, एंड विच इज़ मेट फिनिश, पर यह मेट फिनिश नहीं देता, ड्यू भी देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सेमी मेट हो जाता है ये। ये ट्यूब फॉर्म में आता है, यानी ये गिर के टूटने का डर नहीं है, जैसे पहले वाला मेरा गिर के टूट गया था, इसका ये टेंशन नहीं है कि ये गिर के टूट जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल ही नेचुरल से लुक कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ही टाइनी अमाउंट लगाऊंगी इसका, मैं बहुत छोटा छोटा सा लगाऊंगी इसको मैं, और इसको मैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड कर लूँगी। मेरी नेक जो है वो मेरे फेस से बहुत ज़्यादा फेयर है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं लाइट शेड लेती हूँ ताकि वो मिक्स हो जाए।
और इसको मैं लगाऊंगी, उसके बाद में इसको ब्यूटी ब्लेंडर से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से डैम डैम कर लूंगी, क्योंकि मुझे हेवी कवरेज नहीं चाहिए, बिल्कुल लाइट और न्यूट्रल से कवरेज चाहिए। तो मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और उससे मैं इसको डैम 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 करके इसको ब्लेंड कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डिप किया है, ये रियल टेक्निक का ब्लेंडर है, और इसको मैं अभी अच्छे से पानी इसका निचोड़ लूंगी, बिल्कुल भी इसमें वाटर ना रहे, और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी लाइक दिस ऐसे। तो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने बता दिया है रियल टेक्निक का है, उससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो कोई ग्लैमरस फेस का है, कोई किसी का है, इन सब का रखे मैं ब्यूटी ब्लेंडर। ये सब कुछ जो मैंने एक ब्राइडल किट की वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया हुआ था, ब्रशेज़ वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने गाइड किया हुआ था क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं आई थिंक उनको पता नहीं है, तो आप वो प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर था ना उसको प्रेस करके और उससे डैम डैम करके ना इसको बेस को ब्लेंड कर लिया, और बेस जो है लिक्विड बेस हमेशा तब तक ब्लेंड करते हैं जब तक कि उसको जो ओरिजिनल शाइन बाहर आ जाए, और प्रेस भी जो है वो बिल्कुल स्लाइटली करते हैं, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करते हैं, बस ब्लड सर्कुलेशन हो और बेस सेट हो गई है, बेस पता भी नहीं चल रहा कि लगाई हुई है और ग्लो भी आ रहा है। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि जहां पर हमें लगता है ना कभी मजीद लगाने की जरूरत है, जैसे ये जगह देखें डार्क है एज कम्पेयर टू बाकी फेस, और ये वाली जगह डार्क सर्कल्स वाली जगह, तो बीमारों वाली लुक आएगी अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे। बेशक आप नेचुरल मेकअप कर रहे हो, स्कूल यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए कर रहे हो मेकअप, पर अगर आप इन जगहों को कवर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा बीमारों वाली शक्ल लगेगी। तो अगर आप कंसीलर से कवर करना चाहते हैं तो कंसीलर से कर लें, अदरवाइज आप अगर लाइट कवरेज चाहते हैं तो आप फाउंडेशन से भी कर सकते हैं। इसका जो ग्लास वाला फाउंडेशन है ना वो फुल कवरेज है, और ये वाला इतना फुल कवरेज नहीं है एज़ कम्पेयर टू देट वन, पर ये भी अच्छी कवरेज देता है। और मैं इसी की हेल्प से ही ना जो जो जगह मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे लगाने वाला है और, तो वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे लाइक दिस। तो जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी ना वहाँ वहाँ पे मैंने फिंगर से अप्लाई किया है इसको, उसके बाद फिंगर से ही थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद थोड़ा सा थिक होगा या ड्राई होगा, उसके बाद फिंगर की मदद से ही मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, और डार्क सर्कल्स की जो लाइन होती है वहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी, जैसे थोड़ा सा ड्राई होगा उसके बाद फिंगर से इसको ब्लेंड कर लूँगी लाइक दिस। इसको मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से अगेन डैम डैम कर लूँगी ताकि ये अलहदा से परमानेंट ना हो। तो जब मैंने फिंगर से ब्लेंड किया था उसके बावजूद भी वो नज़र आ रहा था, तो उसके बाद मैंने जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर था ऑलरेडी जो एक ही दफ़ा मैंने वो डिप किया था पानी में, उसी से ही मैं सेम से इसको लाइट लाइट सा सेट कर लूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि वो बिल्कुल मैच हो जाए और अलग से उभरा हुआ कोई चीज़ ना लगे। इस तरीके से इससे लाइट कवरेज भी मिल जाएगी और डार्क सर्कल्स वगैरह या अगर नोज़ पर निशान है या चीक्स पर निशान है तो वो भी फील नहीं होगा, और अच्छी सी बेस जो है ना लुक देगी, इवन लुक देगी। देखिए डार्क सर्कल्स भी कवर हो गए हैं और जो जगह डिस्कलरेशन थी वो वाली जगह भी कवर हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इसके बाद थोड़ा सा लूज पाउडर, फेस पाउडर, सेटिंग पाउडर कुछ भी लगा लें आप बिल्कुल लाइट सा, उससे ये होगा कि मेकअप जो है वो ऑल डे स्टे करेगा। अगर आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है तो वो आएगा, तो मेकअप और ज़्यादा फ्रेश होगा उसकी वजह से। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ ईडन मिनरल का फेस पाउडर है और इसका शेड है टीला 522। एक्चुअली ना इसके अंदर जो है थोड़ी सी ना शाइन है, इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरीके का है, ये देखें, और इस तरह लगता है ये ब्लेंड होके, मतलब कि ब्लेंड हो जाता है अभी, तो फिर ऐसे ग्लोसी ग्लोसी सी लुक आती है। अब बिल्कुल हल्का सा लेंगे और इस तरीके से हाँ इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। इसको मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ चीक्स पे। आजकल इन ब्लशेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जैसे लिप टिंट, लिप एंड चीक टिंट हो गए, उसके अलावा स्टिक फॉर्म में ब्लशेस आ गए हैं, उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में ब्लशेस आ गए हैं, जिस तरह का इल्यूमिनेटर होता था उस तरह के अब लिक्विड फॉर्म में, पम्प फॉर्म में ब्लशर्स आ गए हैं, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, बिल्कुल नेचुरल लगते हैं और सटल लुक देते हैं, बहुत ही अच्छी सी पता भी नहीं चलता है कुछ लगाया हुआ है, ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही नोज़ भी ऐसी है रेड रेड और चीक्स भी ऐसे ही हैं, और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा ना वो नहीं देती, इरिटेट नहीं करती, और ब्लश की तरह ना ये जैसे अक्सर ना ड्राई फेजेस होते हैं जिस पर छोटे छोटे से दाने होते हैं, जब उस पर ब्लश अप्लाई करो तो वो दाने और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो इसके साथ ये इशू नहीं है। जो अब न्यू ब्लशर्स आए ना इसने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया है और स्किन को बिल्कुल स्मूथ रखता है, उसमें कलर वैरायटी अवेलेबल है, नेचुरल लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि ब्लश लगाया है कुछ लगाया है, मुझे अभी भी कम लग रहा है। मेरा बस चले तो पूरा नाक भी लाल कर लूँ और गाल भी लाल कर लूँ, मुझे क्या लग रहा है यार, थोड़ा सा और लगा लेते हैं। अब इस तरीके से मैं ये और ब्लशर लगा रही हूँ स्टिक से ही डायरेक्ट अपने नोज़ पे और चीक्स पे, मैं चाह रही थी हीरा मानी की तरह ना सही रेड रेड नोज़ हो जाए और सही रेड रेड चीक्स हो जाए, इतने प्यारे लगते हैं ना उसके रेड रेड नोज़ एंड चीक्स, बट वो टिंट अप्लाई करती है
और टिंट के अंदर जो है पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ओके ब्लश हो गया, आप लिपस्टिक पहले आईब्रोज कर लेते हैं। आईब्रोज ना करो तो चेहरा इतना बीमार लगता है, मेरी आईब्रोज इतनी गंदी हुई हुई है ना, अभी मैंने शेप नहीं की है, एज यू कैन सी दैट अभी मैंने रूप रखा हुआ है। ईद पे मैं इनको बनाऊंगी, इसी तरीके से आईब्रोज करूंगी, पहले कंसील आउट कर लूंगी और बाद में फिलिंग कर लूंगी उसकी, ताकि ऊंचे नीचे ना हो आईब्रोज और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं करनी। मैंने ये एक लाइन यहाँ लगाई ऐसे, मुझे उससे पता चल जाता है कि मेरी आईब्रोज में कहाँ कहाँ गैप है, तो बस फिर मैं उनको डायरेक्ट फिल आउट कर लेती हूँ। ये देखें इस तरीके से, मैं ऊपर से भी इस तरीके से करना है हमने। कि मैंने इतना ज़्यादा ट्यूटोरियल अपलोड कर दिए हैं कि मैं अब आईब्रोज जो है वीडियो के अंदर फिल्म नहीं करती, पर इसमें कर देते हैं हम। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्वा केक लाइनर 101, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये वाटर प्रूफ है, सेकंड थोड़ी सी इंस्टेंट ड्राई हो जाता है और सिमज नहीं होता, हाथ लगे तो भी नहीं हटता। अदरवाइज़ अगर मैं क्रिस्टिन का भी यूज़ करूँ ना, इवन कि उसका ब्लैक वाला भी यूज़ करूँ, तो वो रिप्लेस हो जाता है जहाँ जहाँ हाथ लगे वहाँ वहाँ से। तो अब ये देखें जहाँ जहाँ पे गैप है ना, इसको मैं वहाँ वहाँ से फिल इन कर रही हूँ। इसको हम कर लेंगे ब्लेंड, इस तरह का कोई फ्लैट ब्रश है तो उससे ब्लेंडिंग कर लें इसकी, अदरवाइज़ आप जो बफिंग ब्रश होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं इस तरीके। इससे ये होता है ना कि अगर आपके आईब्रोज नीट ना भी हुई हो ना, जब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसको अच्छा खासा हाइड कर लेता है और पता नहीं चलता कि आईब्रोज नहीं बनी हुई, एकदम से फाइन शेप आनी शुरू हो जाती है आईब्रोज की, और मेरे मेकअप की तो शक्ल निकलती तब है जब मेरी आईब्रोज बनती है। बाद में अब इस पुली से इसको आउटवर्ड साइड पे इस तरीके से कॉम कर लूँगी सारे बालों को, ताकि अगर कोई हार्श लाइन है तो वो भी कवर हो जाए और नेक्स्ट के बिल्कुल नेचुरल लगे, फेक ना लगे। तो ये ना लिक्विड लिपस्टिक है, लेकिन ना ये उस टाइप के जिस से लिप टॉपर होता है, लेकिन इसकी जो बात है ना वो ये है कि ये जैसे रेवोल्यूशन की मैं लगाती हूँ ना लिप टॉपर, तो वो मेरी लिपस्टिक को जो है वो जिस तरह से मेटालिक लिपस्टिक होती है उस तरह का कर देता है, ड्राई नहीं होता। लेकिन जब मैंने ये वाला लगाया है ना इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए, तो ये इंस्टेंट ड्राई हुआ है और इसने लिपस्टिक की जो फॉर्म थी उसको चेंज नहीं किया, मेट ही रखा उसने, लेकिन ग्लोसी मीन्स के शाइन तो दी है लेकिन लिपस्टिक को मेट ही रखा है और लिपस्टिक वाटर प्रूफ ही रही है। इवन कि इसी को मैंने आई पर लगाया है तो फिर भी आई मेकअप वाटर प्रूफ ही रहा है। और ये लिपस्टिक का शेड है जो मुझे PR में आया था, लेकिन मैं न्यूड लगाऊंगी। तो जो मॉर्फी की लिपस्टिक है जो कि मैं अक्सर वीडियोस में यूज़ करती हूँ, आप लोगों को अच्छी भी बहुत लगती है और ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ अपने लिप्स पर और थोड़ी सी बाहर निकालूंगी। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मेरे लिप्स ऊपर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है, तो इस वजह से मैं उसकी जो लिपस्टिक है वो थोड़ी सी बाहर निकाल देती हूँ कट वाले एरिया से और उसको ब्लेंड कर देती हूँ या स्मच कर देती हूँ अच्छे से, जिससे थोड़ा सा ना लिप्स जो है वो पाउड फॉर्म में आता है। अभी मैं क्लोज से आपको दिखाऊँगी लाइक दिस। यार ये लिपस्टिक अच्छी तो लग रही है पर बड़ी मैच्योर मतलब बड़ी मैच्योर लुक दे रही है, बच्चों वाली लुक नहीं दे रही, तो ऐसा करते हैं ये बहुत प्यारा कलर है, ब्लश कितना अच्छा लग रहा है, ये लगा लेती हूँ मैं ना। वाओ हमारा फेस मेकअप डन, इतना हमने ऐड करना है लिक्विड हाइलाइटर। लिक्विड हाइलाइटर जो है वो मैंने बेनिफिट का लगाया जो मेरे हाथ में है, पर हुआ ये कि जहाँ पे कैमरा बंद करना था ना वहाँ पे बंद नहीं किया और जहाँ पे ऑन करना था वहाँ पे ऑन नहीं किया, क्योंकि बीच बीच में मैं इफ्तारी बनाने जा रही थी। खैर जो मैंने आपको स्वाच चेक करवाया था लिपस्टिक का या लिप डॉपर का, तो वो मैंने आईज पर लगाया है एज आई शेडो, और वही सेम जो है मैं आई के नीचे अप्लाई करूँगी उसी एप्लीकेटर से, डायरेक्ट एप्लीकेटर से अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको फिंगर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक जगह पे खट्टा हुआ ना लगे, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ़ौरन से मेट हो जाता है और शाइन भी देता है। और जब मैंने देखा कि ये मेट हो रहा है फ़ौरन से, तो फिर मैंने हिम्मत करके इसको लिप्स पे भी अप्लाई कर ली। अप्लाइंग लाइनर और दिस इज़, मुझे लगता है ये जो मैंने मेबलिन का यूज़ किया फर्स्ट कॉपी है आई थिंक समथिंग, क्योंकि इसकी जो निप है वो भी सेम उस तरीके से बिल्कुल बारीक सा लगाऊंगी जैसे लगा भी है, नहीं भी लगा हुआ लाइक दिस ऐसे।
तो वैसे मेरे कज़न्स वगैरह जो हैं यंग, वो तो नहीं लगाती लाइनर। आप लोगों को अच्छा लगता है तो लगाए, मुझे तो अच्छा लगता है इसलिए मैं लगाती हूँ। और ये मस्कारा है और ये सब सामान जो था ना, हॉक्स ब्यूटी पता नहीं क्या नाम था, मुश्किल सा उसकी तरफ से था। बहरहाल मैं नाम शाम सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी लिंक वगैरह। ये उसका मस्कारा है, मस्कारा जो था इसका जो फाइबर था ना ब्रशेज का, वो बहुत अच्छा था, लेकिन मस्कारा ना वाटर प्रूफ नहीं था और जल्दी से ड्राई नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा 2-3 दफ़ा तो ख़राब भी हो गया था, जो कि मैंने कॉटन बर्ड से साफ़ किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। और सेकेंड थिंग ये कि ये ना बहुत ज़्यादा ना लैशेज़ को वॉल्यूमाइज नहीं। अगर आप भी ईद पर सेवैयाँ वगैरह देने जाते हैं तो लाजमी फेस स्प्रे कीजिएगा फेस के ऊपर, जैसा कि मेकअप। सो दिस इज माई फाइनल लुक। और ये ड्रेस के साथ दुपट्टा है और इसी कलर का टाइट है इसके साथ, और ये इसके साथ इयर रिंग, और ये मुझे वकास ने ला कर दिया था ईद पर पहनने के लिए, जो कि मैंने आज पहन लिया है। खैर ट्यूटोरियल शेयर करना था यार मुझे आप लोगों के साथ। ये ना फ्रॉक है, कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कैमरा देख करके ना आपको दिखा सकूँ कैसा लग रहा है। तो ये था न्यूट्रल सा मेकअप जो कि आप लोग मांग रहे थे। आप ही मैरिड के लिए तो बता दिया, हमारे लिए भी कुछ बता दें जो सिंगल हैं वो कैसा लुक अचीव करें। अच्छा ये हेयर स्टाइल जो ना आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से रखना चाहें तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बैक पे करके इस तरीके से बैक पे भी इसको आपस में मर्ज कर सकते हैं, बैक पे भी रख सकते हैं। उसके अलावा बाल स्ट्रेट कर सकते हैं, बैक पे भी बहुत प्यारा लग रहा है, देखें बैक पे मजे का लग रहा है। फ्रंट पे एक साइड पर रखना है इसे बना लें, बैक पर रखना है, बैक पर रखना है, जैसे अच्छा लगे वैसे रख लें, तो ऐसे ही बहुत मजे का लग रहा है। वाओ बताएं आप, बताना कौन सा ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था या फिर ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा या फिर दोनों बैक पे करके ज़्यादा अच्छा लग रहा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। एंड लुक एट माई हैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखेगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में ना ड्रेस मेरा देख के जाना, अच्छा मेरे मियाँ ने मेरे लिए क्या लाया था। सो ये ड्रेस, दुपट्टा, टाइट्स, ज्वेलरी और इसके साथ के खुद से ये सब कुछ जो था मैंने ईद के दिन के लिए मुझे वकास की तरफ से मिला था गिफ्ट, जो भी समझ लें, मतलब जो एक ड्रेस हस्बैंड लेके देते हैं ना वो, तो मैंने यही पसंद किया था, डिसेंट सा था, कैजुअल बाद में काम आ जाएगा, इस लिहाज से तो मैंने कहा ट्यूटोरियल तो रिकॉर्ड कर लूँ ना ईद की, ईद पर देखेंगे।